थे बाग में फंसा दिए थे, पेड़ कट गया था कि इसके जो वो है फ्यूज वो खराब हो गए हैं और इसके बदलने के लिए लगभग 1,00,000 रुपए लगेगा। यार ये तो हर सर्विस सेंटर में आपको प्रॉब्लम आएगी। ये है गाड़ी के ओनर जयपाल अंकल। और अंकल ये कौन सी गाड़ी है? ये टाटा इंडिगो LS। कौन सा मॉडल? ये 2013 मॉडल। तो 2013 है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने इस गाड़ी को कितना किलोमीटर चला ली? ये करीब 80,000 किलोमीटर चली है। 80,000 चली है 7 साल में, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो सबसे पहला जो सवाल हम पूछेंगे कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज किया? क्योंकि गाड़ी के मामले में ये मेरी पहली गाड़ी थी, इसलिए टाटा का ही विश्वास था। लोगों ने सलाह दिया कि टाटा है तो पॉजिटिव रहेगा। तो आपने डिजायर, अमेज ये सारी गाड़ियां देखी थी उस टाइम पे? हाँ, डिजायर देखी थी और मारुति की अल्टो भी देखी थी, लेकिन हमको फैमिली में थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए थी, लोग फैमिली भी बड़ी थी, तो मैंने इसको लेना उचित समझा। और ये वास्तविकता है कि जो डिजायर है उससे कहीं ज्यादा स्पेस इस गाड़ी में जरूर मिलता है। तो सबसे पहले इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें जरूर बताएं। इसमें चलाते समय हम 500-500 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलाए हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि थकावट हुई हो या गाड़ी गर्म हो गई हो, हमको कहीं स्टॉप लेनी हो। हालांकि लिए स्टॉप, लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई वो नहीं आया। और इसका जो थर्मोमीटर है वो भी कभी उसको नहीं गया रेड सिग्नल पे, तो जिससे कभी और कभी खराब होने का तो अभी तक इसमें कुछ आया नहीं कि जिससे इसमें कुछ गड़बड़ लगे। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इंजन वाइज इनके कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जब भी हाईवे में इन्होंने बहुत लंबा चलाया है तो कहीं पे भी ऐसी थकावट वगैरह टाइप की चीज जो है नहीं महसूस हुई आप? तो और कुछ इसके पॉजिटिव्स वगैरह? इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है और चलाने में भी बहुत मजा आता है। और स्पेस चक्कर में ये होता है कि चाहे जितना इधर मोटा हो पतला हो, कई लोग बैठ जाओ, कभी ऐसा नहीं आता है कि इसमें कंजेशन है या चलने में कोई समस्या है। डीजल गाड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल डीजल गाड़ी है। तो माइलेज कितना निकाल लेते हैं? माइलेज वैसे तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 20 के आसपास रहता है। शहर में हो सकता है 16-18 हो, लेकिन ऑन रोड ये 20 के ऊपर ही रहती है। तो देखो भाई, यही फायदा होता है डीजल गाड़ी का, आप उसे कैसे भी चलाओ 20 प्लस आपको निकाल के देगी। तो कुछ कमियां बता दीजिए। कमियां तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बार बड़ी अच्छी हुई कि चाबी का वो जो SL डाउन हो गया था रिमोट का, तो वो हुआ कि हम इसको गैराज में ले गए, गैराज हुआ वहाँ SL डाउन हो गया, तो वो उसमें मोटर में बताया कि इसके जो वो है फ्यूज वो खराब हो गए हैं और इसके बदलने के लिए लगभग 1,00,000 रुपए लगेगा। हाँ, 4 फ्यूज बदलने में। तो हमारी तो हवा निकल गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुरंत उसने कहा कि इसमें लैपटॉप लगवाओ, एक छोटा मिस्त्री था, लैपटॉप लगवाओ। तो उस समय तो नहीं पता लगा, लेकिन ये हुआ कि 500 रुपए लेगा और लैपटॉप से सिस्टम सही कर देगा। और वो आया जैसा जादू किया, जैसे लैपटॉप में अपने उसने डाला और अगले मिनट में वो भर से स्टार्ट हो गई। वो तो दिल बैठ गया था कि 1,00,000 रुपए खर्चा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही कम खर्चे वाली गाड़ी है। तो चाबी के चक्कर में मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी? हाँ, वो पकड़ ही नहीं रही थी ना, रिमोट पकड़ नहीं रहा था, रिमोट के चक्कर में खर्र 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 खर बार बार आवाज देती थी। लोगों ने मिस्त्री वहाँ के बताया कि इसके फ्यूज उड़ गए हैं, फ्यूज बनाने पड़ेंगे, जिस चारों बदलेंगे 15,000 के और प्लस जो और आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज तक इंजन खुला नहीं है, मस्त गाड़ी। तो वो एक्चुअली जो इंजन इमोबिलाइजर होता है चाबी में, उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। जब दोनों चीजें ट्रैक होती हैं आपस में, तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। और उसका उन्होंने 1,00,000 रुपए बताया, जो कि मुझे लगता है आप बाहर से 1,500 में चाबी बनवा सकते थे। नहीं, वो उनका जो होता था, हमको नया समझ करके वो उन्होंने ऐसा कहा था कि इस तरह से कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास भी एक्सपर्ट थे, मैंने उनसे सलाह ली, उन्होंने कहा नहीं पहले इस पे लैपटॉप लगवा लो, और वही हुआ, 500 रुपये दे करके किया, वो हमारा काम हो गया। तो यार ये तो हर सर्विस सेंटर में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप जहाँ पे भी जाओगे वो अपना कुछ ना कुछ खर्चा निकलवाने के प्रयास में रहेंगे। पर अगर आपके पास में दिमाग है तो आप और जगह से भी पता करके उसमें बेस्ट कम पैसे में वो काम करवा सकते हैं। तो अभी तक आपने इसकी कितनी सर्विसें करवा ली? अब ठीक से तो पता नहीं, लेकिन ना ज्यादा चलती है, लेकिन हमें लग रहा है कि 6-7 तो हो ही गई होंगी, ऐसा हो गई। सब ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से? हाँ, बिल्कुल, मोटर है ये फैजाबाद रोड पे, उसी से होती है। तो अभी तक जो सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है, कितना खर्चा आ जाता है सर्विस में?
लगभग हमें लग रहा कि 6,000 से 8,000 के रुपए बीच में आता है। अभी लेटेस्ट जो हमने कराई है उसमें 7,000 साढ़े 7,000 करीब आया था। तो ऑयल आप कौन सा, इंजन ऑयल दो आते हैं, एक नॉर्मल आता है एक सिंथेटिक, आप कौन सा यूज करते हैं? हमें ये इसका आइडिया नहीं है, वो जो बता देते हैं पैसा लगा देते हैं हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो 6-8 हजार आता है ये डीजल गाड़ी है, तो इसमें पार्ट हटा के आता है। अगर कभी आपको कोई पार्ट लगवाना पड़ता है तो उसमें क्या मनी आ जाता है? पार्ट जितने टूटते गए उतने मैंने दोबारा लगवाए ही नहीं, इसलिए हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। तो ये भी सही चीज है। तो खैर जोक्स अपार्ट, अब आप ये बताइए कि जो सर्विस सेंटर है टाटा की, सर्विस के लिए काफी बदनामी मिल चुकी है उसे, तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां से आप करवाते हैं वहां से हम भी करवा लेते हैं अपनी गाड़ी की, तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं महसूस हुई, बट आपको क्या लगता है, क्या आपके जो एक्सपीरियंस रहा है वहां पे सुनवाई किसी प्रॉब्लम की अच्छे से होती है? हालांकि अंकल ने बताया कि जो पार्ट वगैरह टूटता है वो बनवाते नहीं, तो फिर भी आपकी मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो सुनवाई उसकी होती है सर्विस सेंटर में? अच्छे से बंदे बात करते हैं नहीं, क्या सीन है? देखिए जहाँ तक सुनवाई की बात है तो वहाँ पर जो हेड मिस्त्री है वो मेरा जानने वाला है, तो जब वो खुद ही फोन करके बताता है कि सर इस समय गाड़ी ले आइए, इस समय भीड़ कम है और आपकी अच्छी से भी हम इसकी बैलेंसिंग और वगैरह जो कुछ है देख भी लेंगे और बहुत अच्छे से सर्विसिंग कर देंगे। तो हम उनके या अपने गाड़ी के मीटर के हिसाब से नहीं जाते हैं, जब उसका फोन आता है और आसपास होता है तो हम जा करके दे आते हैं और वो पूरी गाड़ी अपने हैंडल में करता है, जिससे हमको कोई समस्या नहीं होती। देखिए ये चीज बहुत बढ़िया है, हमारी भी वहाँ पे जान पहचान है तो मतलब अच्छे से सर्विसिंग हो जाती है। और एक कहा जाता है कि भाई व्यवहार अच्छा हो तो लोग व्यवहार भी अच्छा करते हैं, तो इसलिए आप अगर बना के रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो मतलब कुल मिला जुला के कोई समस्या सर्विस सेंटर से रिलेटेड भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आई। एक बात और इंटरेस्टिंग बता दें कि हम इसमें 500 और 700 किलोमीटर गए हैं और इसमें स्टेपनी भी नहीं है। हाँ, और जब उसको पता चलता है कि बिना स्टेपनी के इतनी दूर गए तो ड्राइवर दंग रह गया कि आप कैसे चले गए और वो भी रात में आए। हमने कहा यार ऐसा कभी लगा ही नहीं, अगर पंचर हो जाती तो देखा जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। तो मतलब टायर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा बेहतरीन टाटा देती है। टायर वगैरह अभी तक बदलवाए हैं? बदलवाए हैं, चारों टायर नए बिल्कुल न्यू है और सब ट्यूबलेस है, तो वो बदल गए एक ही बार 80,000 में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे अभी हमें लग रहा है ये 10,000 भी नहीं चले हैं टायर बदलवाने के बाद। अच्छा, तो मतलब एक ही बार अभी तक टायर बदलवाया है। लोग कहते हैं कि मतलब एक अच्छी बात ही है कि टाटा की जो गाड़ियां होती हैं अगर उन्हें आप किसी दूसरे की गाड़ी में छुआ दें तो उसकी गाड़ी खत्म भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होती है, तो क्या कहेंगे? हाँ, इसका उदाहरण है आपके पापा की जो यौन थी हमारी गाड़ी से टच भी हो गई थी, अभी हमने इसको घिस दिया है, नहीं तो यहाँ पे रेड निशान आपकी गाड़ी के पड़े हुए थे, लेकिन हम सालों बाद अभी जल्दी घिसे हैं तो वो छूट गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी तो उसका उदाहरण मिल जाता आपको। तो मतलब काफी मजबूत जो बॉडी वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चारों तरफ से देख लो कि कैसी तरह ये घिसी हुई है और हमने दीवालों से और साइड से खूब इसको ठोका हुआ है, जगह जगह से ठोका है, एक उधर साइड बड़ा डेंट है, आके देख सकते हो, बहुत मजेदार डेंट है। ये देखिए हम डेंट आपको जरूर दिखाना चाहेंगे जो अंकल बता रहे हैं, तो बताइए अंकल कहाँ पर आप मजेदार डेंट बता रहे हैं? गाँव जा रहे थे, बाग में फंदा दिए थे, पेड़ कट गया था और पेड़ का जो उठा हुआ हम गांव से बाग में छोटी रास्ता थी, मैं उसी रास्ता से निकाल रहा था, बगल में एक पेड़ कटा हुआ था जो पेड़ की जड़ होती है उस पे ये देखिए चढ़ा दिया था हमने, तो वो ये इसके ऊपर जाकर के रख रही, तब हमें लगा कि कुछ अरे ये तो एक तरफ उठी हुई गाड़ी है, तब देख रहे हैं कि वो पेड़ की जो कटे हुए हैं उसके ऊपर चढ़ गई है, लेकिन उसमें आज तक भी वैसे रखा है और हमने कुछ नहीं किया। तो बाग में फंदा दी थी आपने? अरे हम जाने कहाँ कहाँ फंदाते रहते हैं, बाग है, अभी रिश्तेदारी में गए थे, एक नाला कटा हुआ था वहां पे, हमें लग रहा ट्रैक्टर का निशान था, हमको दिख रहा था कि ट्रैक्टर यहां से निकल सकता है और छोटी गाड़ियां नहीं लिखा है, हम दो ही लोग थे, रात के 11-12 बजे था, पार्टी में जा रहे थे और सामने पार्टी दिख रही थी, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फंदा दिए और फंदा दिए, लेकिन वो आराम से निकल गई, हमको ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता था, तो बहुत दमदार गाड़ी है, इसमें बड़ा मजा आता चला। लेकिन भाई जो बाग में अंकल ने खुदाई उसके बाद जो वाक्य हुआ वो हो सकता है क्योंकि ये सेडान है, उतना ज्यादा खराब रास्ते पे नहीं चलाई जा सकती, फिर भी इतनी जो रफ टफ है कि अंकल जो है वो भी कर देते। हाँ 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 बिल्कुल, ये चलते रहता, हम एक बार आ रहे थे, इसका ये निकल गया, यहाँ का जो वो था हमने उसको निकाल के डिग्गी में डाला और आगे बार रास्ता चलते
चार्जर है, तो जो भी निकलता रहा उसको हम निकालते रहे, दोबारा ना लगवाए ना पेच काइट कुछ नहीं, उससे कह देते हैं कि भैया देख लो चलती रहे। एक इसके बारे में और बताएं, जितनी बार हम इसकी जितना चलाते हैं उतना इसके प्रति प्यार बढ़ता है और हमारी फैमिली उतना ही इसको नापसंद करती है, क्योंकि वर्तमान में इससे अच्छे अच्छे मॉडल आ गए हैं लेकिन हम इसको नहीं छोड़ते हैं। जैसे घर के बूढ़े नहीं छोड़े जा सकते, वैसे हम भी इस गाड़ी को छोड़ना पसंद नहीं करते। देखिए ये सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था, जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी लिया था उस टाइम पे भी जो डिजायर अमेज आती थी उसका मैं पर्सनली जो बात बोलूंगा कि इंटीरियर वगैरह जो था वो इससे थोड़ा सा बेटर था। मतलब ये आप देखेंगे तो पुरानी फील ओल्ड स्कूल वाली जो होती है वो देती है, जो कि हम लोग को ज्यादा पसंद है, बट जो फैमिली में लोग होते हैं उन्हें उतना पसंद नहीं आता। तो कभी कहा नहीं जाता आपसे कि ये गाड़ी हटाओ, या उस समय भी किसी को आपत्ति नहीं थी? नहीं, उस समय तो चूंकि नई थी और उस समय इसमें इतना ज्यादा कुछ बाजार में था भी नहीं और हमारे पास भी इतनी जानकारी नहीं थी, ना ही ऐसा कोई वो ग्लैमर था। आज के दौर में जब इतनी गाड़ियां बाजार में हैं उससे जब कंपेयर करो तो थोड़ा ये डिफरेंट लगती है, और थोड़ी वो कई साल भी हो गए हैं, पुरानी भी हो गई है, तो अब ये बाजार में लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो देखिए जो हम बात करते हैं अगर सर्विस सेंटर की बात करें तो हम कहा करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर कहाँ का है उस पर डिपेंड करता है। हम जो क्विड वाले भाई से मिले थे, जो क्विड का जो ओनर थे, उन्होंने बताया था कि उनके पेट्रोल भी चोरी हो चुका है, बट टाटा को बहुत बदनाम किया जाता है लेकिन यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी है कि यहाँ पे आपका व्यवहार भी काफी बढ़िया रहता है। हाँ बिल्कुल, हम तो वहाँ गुंडा की तरह जाते हैं वो यस सर बैठिए, लेकिन हम जानते हैं कि नीचे जो बड़ा कारीगर है वो हमारा जानने वाला है, उससे कुछ गलत नहीं होगा, वो वास्तव में कुछ गलत नहीं करता है और मिनिमम प्राइस करवा भी देता है जिससे और अच्छा रहता है, तो कुछ गलत होने की संभावना लगभग नहीं रहती है, पूरे उसमें कैमरे लगे रहते हैं तो डीजल या पेट्रोल चोरी जैसी घटनाएं नहीं घटती हैं, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। छोड़ते हैं अंकल जी, ये कैमरामैन से मैं बोलूंगा, ये एक छेद दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब इतनी मजबूत गाड़ी में छेद करने का क्या कारण था, कैसे हो गया? एक्चुअली में हमारे घर के बगल में सड़क पे गेट लगा हुआ कॉलोनी का, उसमें जो एक वो नीचे रेंज बंद करने वाला होता है वो बाहर निकला हुआ था और हमको थोड़ा रिस्क लेने मजा आया था, एक गेट खुला था एक बंद था, हमने भी क्या किया एकदम से काट दिया दाहिने बाईं तरफ क्योंकि हमारा घर था उधर, और वो निकला हुआ एंगल उसमें घुर गया गप से, जब हमने देखा अरे लेकिन हो गया तो हो गया। तक अंकल मैं पूछूंगा, आप संतुष्ट है इस गाड़ी से? अरे बिल्कुल संतुष्ट है, हमारी पूरी भविष्य में संभावना है कि ये हमारे साथ चलती रहेगी, ये बिकेगी नहीं, जितना चल पाएगी और जितना हम चलेंगे यही से चलेंगे, वो गाड़ियां चाहे जो और चाहे जो आ जाए मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर उसने नहीं छोड़ा तो। तो अभी अगर आज के टाइम पे आपको कोई कार लेना हो और मान लीजिए यही आ रही हो तो आपको कोई ऐसा पछतावा है कि नहीं मैं ये नहीं लूंगा वो लूंगा, अगर आपके पास डिजायर हो, अमेज हो और ये हो, तो इन तीनों में से अभी भी आप डीजल में कौन सी चूज करें? नहीं ये बेस्ट है क्योंकि हम अमेज से भी चल चुके हैं और डिजायर से भी चल चुके हैं, हमको उसमें फीलिंग ही नहीं आती जो इसकी फीलिंग आती है, उसमें पता ऐसा लगता है कि कहीं ठुक ना जाए, कहीं इसका स्क्रैच ना पड़ जाए, इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है, स्क्रैच जितनी पड़ गई कि और होने की कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इतनी मजबूत बॉडी है कि सही में टाटा वालों को फर्क नहीं पड़ता कहाँ मारते हुए चले। अच्छा जो डीजल इंजन है इसका, वो नॉइज वगैरह आपको क्या लगता है ज्यादा करता है या आम गाड़ियों के मुकाबले, जैसे आपने बताया डिजायर में भी चले अमेज में, तो उसके मुकाबले आवाज में आपको इरिटेशन ऐसा कुछ होता है? हमको तो ये लगता है आवाज होने से ही गाड़ी ठीक है क्योंकि लोगों को पता तो चले कि आगे आ जा रही है, दूसरी बात ये है कि हम ज्यादा लग्जरी गाड़ी से चले नहीं तो हमको आवाज से फर्क भी नहीं पड़ता। ये भी ठीक है। तो अंकल अब एक हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, कैसे लोगों को आप प्रीफर करेंगे कि किस टाइप के लोगों उन्हें लेना चाहिए, और एक चीज में पहले आपसे ये पहले इसका जवाब दे, क्या इसमें आपको पावर का कमी महसूस होता है? अरे कहाँ से कमी नहीं होता, हम तो अंगूठा छुआ देते हैं और गाड़ी उड़ने लगती है, तो हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि ये और पूरी गाड़ी हम एक हाथ और एक अंगूठे से चलाते हैं, तो इससे पावर की कोई कमी ही नहीं है, और यहाँ तक कि हम कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे किए हैं लेकिन हर बार लगता है कि नहीं 150-125 से नीचे रहे वो ज्यादा अच्छा, तो ऐसी रेस की कभी बात नहीं आई लेकिन सामान्यतः पावर की कोई कमी नहीं। देखो डीजल गाड़ी है, इसमें आप एसी चला लो चाहे जोन सा सी चला लो, इसमें आपको कमी नहीं महसूस होगी पावर की, इंडिगो है ऊपर से डीजल है तो भाई भागती तो खूब है। अब अंकल आखिरी में जो मैं पूछ रहा था, किस टाइप के लोगों को आप कहेंगे कि ये गाड़ी लेना चाहिए आपको, मतलब ऐसा हो तो उसको लेना चाहिए, ऐसा हो तो नहीं लेना चाहिए, कैसे लोगों को आप कहेंगे कि प्रिफर करेंगे? देखिए जो
समाज में बहुत तरीके के लोग हैं जो लोग सड़क पे रह सकते हैं, सड़क पे चलते हैं और समाज ये मीडियम वर्ग में अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, उनके लिए इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिनको बाहर छींक आती है, जिनको बिना एसी से चलना नहीं है, जिनको स्टेटस की प्रॉब्लम है, वो इससे बचे। बाकी सबके लिए बिंदास गाड़ी। देखो भाई, एसी तो इसमें भी चलता है और काफी बेहतरीन एसी चलता है। बिल्कुल, इसमें स्पेस भी बहुत जबरदस्त है, भी चलती ब्लोअर भी है, कंफर्ट की कोई कमी इस गाड़ी में है ही नहीं। ठीक है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का कंफर्ट होता है वो ये मैच करके दे सकती है। भाई इसमें आपको डस्टर स्कॉर्पियो से बेटर कंफर्ट मिलता है। तो ये गाड़ी में ना कंफर्ट की कमी, अगर आपकी चार पांच लोगों की भी फैमिली है और आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, कम खर्चे वाली गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है अंकल। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, पांच के आप पीछे चार और आगे तीन बैठ करके आप चला बिंदास चला सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी है तो एक तो गोदी में आगे आ जाएगा, आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। वो प्रैक्टिकलिटी की बात है कि ऐसे आप सात लोग जरूर चल सकते हैं, बट वो ओवरलोडिंग में जाना कट जाता तो इस वजह से चलता नहीं है अंकल। टाटा की सारी गाड़ियां इसी ढंग से बनाई जाती हैं कि जितना हम सीट बना रहे हैं इसके दुगने अगर बैठ जाएं तो उसके उसमें कोई खिंचाव या दबाव ना आए और इजिली चली जाए। बिल्कुल बेहतरीन बात कही है इन्होंने, काफी बढ़िया। सस्पेंशन हार्ड है या सॉफ्ट है? अरे बिल्कुल मस्त है, आप बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ते हैं तो भी आपको कोई झटका जैसा नहीं लगता, बढ़िया है। तो यही है जयपाल अंकल, जो कि अपनी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं, और अंकल बहुत खुशी हुई आपसे मिलके हमें, और अंकल भी आपको यही सलाह देंगे कि आप सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगाएं। अरे बिल्कुल, ये तो पहली शर्त है, और दूसरी बात यह है कि अब जुर्माना भी बढ़ गया है तो आप इसको हल्के में ना ले, सीट बेल्ट और क्या और हेलमेट, अरे हेलमेट इसमें जरूरत ही नहीं है, सीट बेल्ट की हाँ बाइक में जरूर लगाएं, और मास्क आज के उसमें बहुत जरूरी हो गया है। धन्यवाद। So guys, that was the video. I hope you have enjoyed it. If yes, you know what to do. Give it a thumbs up and hit the subscribe button as well. We'll meet in the next video. अगर आपको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाना है तो हमें मेल कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आईडी आ रही होगी, और हमको कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।